हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 10th कंप्यूटर के 10 इंपॉर्टेंट अतिलोकोत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है? तो 2023 में पूछे गए थे, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिया है, तो इनको आपको पढ़ के ही एग्जाम में जाना है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाइन का पूरा नाम, हाँ, या फिर वाइन का पूरा नाम लिखिए, या फिर बोलेगा वाइन का पूरा नाम क्या है, वाइन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ वाइन। तो वाइन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? एक और फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, WWW, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो WWW का क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वाइन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू से वाइड, ए से एरिया, एन से नेटवर्क, और WWW का क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, GUI क्या है, यानी कि GUI क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक एक नंबर के आते हैं, तो शॉर्ट में ही लिखना है, ठीक है? GUI क्या है? तो GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल, क्या है? ग्राफिकल, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है ग्राफिकल, ठीक है? और यूजर, यू से ना, आई से इंटरफेस, ये मैं लिख देता हूं, ठीक है? ये लिख दीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म, ठीक है? याद कर लीजिए, ठीक है? और देखिए यहां पर GUI को विस्तृत रूप से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को बटन, मेनू, स्क्रोल बार आदि जैसे दृश्य तत्वों का उपयोग करके कंप्यूटर को नियंत्रित करने की सुविधा देता है, ठीक है? बस इतना लिख देना है, एक नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है? अब हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ये आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है। क्या है? 2s कॉम्प्लीमेंट। ये बाइनरी नंबर का आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है? तो 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले किसी भी बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टेप वन में आपको 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आपको कैसे निकालेंगे? चेंज 0 को 1 से, 1 को 0 से चेंज कर दीजिए। जैसे कि हमारी बाइनरी नंबर क्या है, देखो यहाँ पर 11, ये देखो 1100, क्या है? 11 और 00 है। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए। क्या निकालना है? 1s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका? तो क्या करेंगे, 0 को 1 में, 1 को 0 में चेंज कर दीजिए, तो 1s कॉम्प्लीमेंट पता चल जाएगा। तो देखो यहां पर 1 है तो 1 को 0, फिर 1 है तो 1 को 0, और 0 है तो 1, और 0 है तो 1, बस। यानी 0011, यानी कि 1100 का 1s कॉम्प्लीमेंट आया, 0011। अब इसका क्या करना है? 1s कॉम्प्लीमेंट देखो निकाल दिया है, 0011। 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नंबर को चेंज कर देना, 0 को 1, 1 को 0, बस, ठीक है? जैसे कि यहां पर किया है। उसके बाद 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल ये करना है कि जो 1s कॉम्प्लीमेंट है इसमें 1 जोड़ देना है। क्या करना है? 1 जोड़ देना है, जैसे कि अभी मैं करता हूं, ठीक है? तो अभी मैं करने वाला, यहां पर देखिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? सिर्फ 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 1s कॉम्प्लीमेंट देखिए यहां पर, ये आपका 1s कॉम्प्लीमेंट है, देखो यहां पर लिख दिया मैंने, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1s कॉम्प्लीमेंट लिखा है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, यहां पर देखिए, ठीक है? ये आपका क्या है? 1s कॉम्प्लीमेंट है, 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो इसमें आपको 1 ऐड कर देना है, प्लस 1, जो भी 1s कॉम्प्लीमेंट आया उसमें 1 ऐड कर दीजिए। देखिए आप, देखिए 1 1, तो क्या आ जाएगा? 1 1 आपका 0 आएगा। जब ये जोड़ेंगे 1 प्लस 1, तो आपका आता है 0, 1 प्लस 1 आपका आ जाएगा 0, कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है? तो देखो 1 प्लस 1 तो हो जाएगा आपका 0, कैरी ऊपर 1, ठीक है? अब देखो 1 1 ऊपर कैरी और ये 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा, फिर से कैरी 1। अब देखो 1 0 तो 1 आएगा और ये आपका 0 है। क्या आया? 0100, यानी 2s कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 0100, ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से,
जैसे कि आपको अगर कोई भी बाइनरी नंबर दे देता है, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ बिल्कुल, ठीक है, आपको कोई बाइनरी नंबर दे दिया जैसे कि 1100, इसको आपका बोला, इसको बोला है आपको क्या निकालना, 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले इसका आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, क्या निकालिए, 1s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, देखो 0 को 1 को 1 में को 0 है ना, तो 1 आया तो 1 को 0, फिर 1 आया फिर 0, अब 0 0 है तो 1 1, बस ये 1s कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसमें बस आपको एक ऐड कर देना है, 1 इसमें आप ऐड कर दीजिए। तो देखो रूल क्या है, अगर 0 प्लस 0 है तो आपका आएगा 0, अगर 0 प्लस 1 है तो आपका आएगा 1, ठीक है, अगर आपका 1 प्लस 0 है तो आपका आएगा 1, ठीक है, और अगर 1 प्लस 1 है तब तो आपका आएगा 0 और कैरी 1, 0 और कैरी 1, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो 1 1 कितना होगा, 0 कैरी 1, अब देखो 1 1 फिर से, फिर 0 फिर कैरी 1, अब 1 0 तो 1 और ये 0, तो क्या आएगा 0100, ये इसका क्या हो जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा है 4 नंबर, और एंड, और ये भी देखिए, 2 देखिए यहाँ पर, एक और गेट है एक एंड गेट है, इसकी ट्रूथ टेबल डिजाइन करनी है। तो और गेट की ये देखो ट्रूथ टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो 0 0 आपका 0 होता है, 0 1 आपका 1 होता है, 1 0 आपका 1 होता है, और 1 1 आपका 1 होता है, ठीक है, ये इसके ट्रूथ टेबल है। और एंड के ट्रूथ टेबल क्या है, 0 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 1 0 0 होगा, 1 1 1 होगा, यानी ध्यान रखिए और में क्या होता है, अगर एक 0 है एक 1 है तो आपका क्या होता है, आपका 1 हो जाता है, यानी कोई एक 1 होगा तो 1 1 हो जाएगा, या फिर दोनों 1 होंगे तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन एंड में क्या है, जब तक दोनों में 1 नहीं होगा तब तक आपका 1 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1 किस में आया, सिर्फ इन दोनों में, जब तक दोनों में 1 न हो तब 1 नहीं आए, तभी 1 आएगा, जब 1 नहीं होगा तो आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोनों में 1 है तभी 1 आउटपुट आएगा, तो ये आपका एंड गेट है। लेकिन और में क्या है, एक में 0 एक में 1 भी हो तो भी 1 आ जाता है, देखिए यहाँ पर 0 है इस वाले में 1 है तो आपको 1 आ गया, ठीक है, तो ये आपका होता है ट्रूथ टेबल। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है, है ना, फुल फॉर्म लिखिए। तो E मतलब एक्सटेंडेड, B मतलब बाइनरी, C मतलब कोड, D मतलब डेसिमल, I मतलब इंटरचेंज, C मतलब कोड, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, है ना, ऐसे करके कोड है, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 6 नंबर, देखिए 6 नंबर आपका क्या है, 6 नंबर आपका है, हाँ 6 नंबर आपका है, ए और ए के स्काई कोड क्या है, है ना, तो ए जो कैपिटल ए का स्काई कोड होता है वो होता है 65, और कैपिटल बी का होगा 66, कैपिटल सी का होगा 67, कैपिटल ऐसे बढ़ते जाएगा, कैपिटल डी का होगा आपका 68, ऐसे करके, ठीक है, ध्यान रखना 65 से स्टार्ट होगा आगे बढ़ता जाएगा। और स्मॉल ए का भी पूछा है, तो स्मॉल ए का होता 97, स्मॉल बी का होगा आपका 98, और स्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, एरे को परिभाषित कीजिए, है ना, एरे क्या होता है, तो एरे क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को कंटेन करता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यानी कि देखो एरे एक समान डेटा का समूह है जो एक जैसे एलिमेंट को डेटा को एक साथ स्टोर करता है, कहने का मतलब क्या है, सेम टाइप का डेटा होगा, जैसे नंबर है तो नंबर होगा, कैरेक्टर है जैसे कि ABCD है तो ABCD होगा, है ना, तो और एरे हमारे जैसे कि 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं और मल्टी डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, तो 1 विमीय एरे 2 विमीय एरे, है ना, ऐसे करके आता है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, SMTP क्लाइंट क्या है, है ना, तो
एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म याद कर लीजिए एसएमटीपी का, सिंपल क्या होता है? सिंपल मेल टी से ट्रांसफर, ट्रांसफर पी से प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आपका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, इसको नोट कर लीजिए ठीक है। एसएमटीपी क्या होता है? जो ग्राहक मेल भेजना चाहता है, क्लाइंट के बारे में पूछा ना, एसएमटीपी क्लाइंट, जो ग्राहक मेल भेजना चाहता है वह एसएमटीपी सर्वर पर एक टीसीपी कनेक्शन खोलता है और फिर पूरे कनेक्शन में मेल भेजता है ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? स्काई का फुल फॉर्म वही चीज ना, एस हो जाएगा अमेरिकन, एस हो जाएगा स्टैंडर्ड, सी हो जाएगा कोड, आई हो जाएगा इंफॉर्मेशन और आई हो जाएगा इंटरचेंज, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हाँ, बाइनरी जोड़ के चार नियम, बाइनरी जोड़ के चार नियम, अगर जीरो प्लस जीरो जोड़ोगे तो आपका जीरो आएगा, ये एक नियम हुआ, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या है? अगर जीरो और एक जोड़ोगे तो आपका 1 आएगा ठीक है। अगर इधर एक इधर जीरो जोड़ोगे तो भी आपका 1 आएगा ठीक है। अगर दोनों में आपका 1 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा? जीरो आएगा और एक क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा, एक आपका कैरी यहां पर देखो लिखा है ना, यानी कि जीरो प्लस जीरो क्या चीज, जीरो अगर प्लस जीरो है तो वन, जीरो जीरो प्लस वन है तो वन, वन प्लस जीरो है तो वन, और वन प्लस वन है तो जीरो आएगा और एक कैरी हो जाएगा ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर अगर आपको बताएं तो जैसे कि वन जीरो जीरो वन है ना, और यहाँ पर मैंने लिखा जीरो वन वन जीरो है ना, तो इसको करना है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ये आपका आ जाता है वन मान लेते ना, तो यहाँ पर देखो वन जीरो क्या आ जाएगा? वन आएगा, जीरो वन क्या आएगा? वन आएगा, जीरो वन क्या आएगा? वन आएगा, वन वन क्या आएगा? जीरो आएगा, एक कैरी हो जाएगा तो यहाँ पर एक कैरी इधर आ गया ना, ये जोड़ने का एक तरीका होता है ठीक है। तो इस क्लास में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, तो इनको आपको पढ़ के ही जाना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू क्लास।